मेल मर्ज का सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सेकंड एमएस वर्ड का, पावर पॉइंट का, ये सब क्वेश्चन। और टाइपिंग का, टाइपिंग में क्या हलंत या फिर ये नॉर्मली? नहीं, इस पे प्रैक्टिस किस पे किए थे? रेमिंगटन गिल पे, मतलब सॉफ्टवेयर सोनी वगैरह पे किए? हाँ, सोनी, ये बेल्ट्रॉन का मैंने वो लिया था। तो वैसे ही हो रहा था या कुछ अलग? एकदम इजी टाइपिंग था। कुछ लोग जैसे मजा, जैसे मॉक टेस्ट में ना हलंत दे करके करना, आपको आइडिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 कुछ, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, एकदम इजी था टेस्ट, एकदम इजी। टाइपिंग का मैटर कैसा था? एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। लेसन भी एकदम अच्छा, टाइपिंग का लेसन भी एकदम शॉर्ट था, एकदम अच्छा था, नॉर्मल। कीबोर्ड कैसा था? कीबोर्ड बेस्ट था, कोई किस कंपनी का कीबोर्ड था? सर आपकी लॉजिक्स का कुछ, लॉगिटेक जी, लॉगिटेक था सर। मेरे कीबोर्ड की बात करें तो ऑनलाइन करता हूँ। अच्छा, क्लास करते? ऑनलाइन करते, यूट्यूब पर पढ़ते। अभी भी चलता है? कल रात में भी चला था, आज भी मैराथन देखा है मैं, ठीक है ना। आपका एकदम टकरा गया, कोई दिक्कत? तो मेलिंग मेन्यू काम हुआ कि नहीं आया? क्योंकि हम मेलिंग पे ज्यादा फोकस आया था सर, मेल वाला। जी जी सर, मेल वाला क्वेश्चन आया था, एमएस एक्सेल से भी क्वेश्चन आया था, एमएस वर्ड से भी क्वेश्चन आया था सर। आप मतलब टाइपिंग बढ़िया किए हैं? कितना किया स्ट्रोक दिखाया लास्ट में सबमिट किए थे? देखिए, ध्यान नहीं रहा सर। हाँ, ये बहुत लोग के साथ होता है, मतलब इसे पहले भी हम बहुत बार इंटरव्यू ले चुके हैं, तो उसमें भी लोग का यही प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए, आपका एकदम टकरा गया सर। आप चलिए, थैंक यू, चलिए, बहुत बढ़िया, हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? बढ़िया। तो बताइएगा, रुकिए, भाग रहे हैं, शर्माते कहाँ हैं? बताइए कैसा गया एग्ज़ाम, मतलब किस तरह का क्वेश्चन था? अच्छा था, एक्सेल से ज़्यादा एग्जाम, मतलब बता रहे थे मेलिंग से ज़्यादा था, एमएस वर्ड का? नहीं नहीं नहीं, मेल से भी था और एक्सेल से भी ज़्यादा था। टाइपिंग के बारे में बताइए ना, हिंदी टाइपिंग था ना आज आपका? हाँ, टाइपिंग। कितना मारे स्पीड? 30-35 तो मारे होंगे। हाँ, बढ़िया। अरे, आपका बहुत बढ़िया, हम देखते हैं वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। तो मेलिंग वाला क्वेश्चन कुछ मैच किया? मेलिंग वाला तो आया ही, बहुत बढ़िया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुराई नहीं है कि क्वेश्चन इधर उधर से दे, सारा कंप्यूटर से था, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया रिलेटिव ही था, पिछले साल जो पूछा था पिछले बार उससे भी था, और इस बार कुछ हल्का फल्का चेंज हुआ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। टाइपिंग का मैटर पे हम मतलब किस तरह का कीबोर्ड था, कैसा मैटर था? टाइपिंग लॉजिटेक का है, कीबोर्ड लॉजिटेक का था। हाँ, कीबोर्ड लॉजिटेक। और आसपास में और लोग का? सारे का, जितना भी है सारे का लॉजिटेक ही है। और मतलब मैटर किस चीज़ पर आधारित था, पता है कुछ याद है? मैटर है, मैटर आपको छोटा छोटा बड़े सर, राहुल सर बड़े हम देखते हैं आपका, हम क्लास देखते हैं और क्या सर, आपका जो वो बोले थे ना कि पहले 2 मिनट संभालने के लिए, तो वो हम किए थे, और मेरा 9 मिनट कम सेकंड में मेरा पूरा डेटा खत्म हो गया, मतलब टाइपिंग का। हाँ, लॉजिटेक का कीबोर्ड था, बहुत अच्छा था, मतलब लग रहा था कि और टाइप करें, लेकिन वर्ड्स ही नहीं था, वर्ड खत्म हो गया, वर्ड खत्म हो गया। लास्ट में सबमिट हुआ था, वर्ड खत्म हो गया। हाँ, खुद से सबमिट कर सकते हैं? हाँ, खुद सबमिट कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, आप कितने देर में किया आप? तो हम 8 मिनट में कर दिए थे सर। कंप्यूटर का क्वेश्चन कुछ काम आया कि नहीं सर? आपकी टोटल ही पढ़ाया हुआ आया हुआ था सर उसमें सर। अच्छा लगा जी, आप जी डिस्कशन कराए थे ना पूरे, उसी से तो मिलता जुलता रहा था, लेकिन वो बताइए, और तो थोड़ा सा इजी था उसमें वो क्वेश्चन जिसे आप करा रहे थे ना, जितना हार्ड उससे इजी ही आया था उसमें। देखिए, हम नोट कर रहे थे लेकिन सैनिटाइजर से इरेज करवा दिए। अच्छा, क्वेश्चन गलत था तो लास्ट में ना वो अथी देता है मेरे नहीं, पिछले नहीं, एक क्वेश्चन गलत था वो बताते हैं शायद, इसमें दिख नहीं पा रहा सही से आंसर में, 2099 था, 2049 था, 31 दिसंबर जो है ना, 31 दिसंबर का लास्ट ईयर कौन सा होगा? अच्छा, होगा ना, हम वही मार गया, वही लगा 2049 डालते, गलत है ये सर, सही है 2099 था, 2099 ना होगा, 2099 लास्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा उसका। चार ऑप्शन था, चार ऑप्शन में जैसे नहीं समझे बात को समझिए, जैसे अगर हम आपको 10 नंबर दिए, ठीक है, या 10 ईयर का नाम बोले, उसमें बोले कि सबसे लास्ट सेलेक्ट कीजिए, तो जो सबसे लास्ट होगा वही उसका आंसर होगा। 10,000 भी लास्ट था सर? नहीं, 2099 पार नहीं होना चाहिए ना, 2099 पार नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन होता है एमएस वर्ड में कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज, मैक्सिमम जूम साइज कितना कर सकते हैं, तो 500 तक होता है, अगर 600 है तो 600 तो आंसर नहीं होगा, 500 ना होगा, तो अगर यहाँ पर 100 से लेकर के 500 के बीच में जो भी रहेगा वो उसका आंसर होगा, तो उसके बीच में अगर लगाए होंगे तो आंसर होगा, अगर गलत होगा ना
तो जब इसका आंसर की देगा उसमें आप ना कंप्लेन कर सकते हैं और आप उसको मतलब वो देगा नंबर नहीं देगा वो भगवान जाने या फिर बेल्ट्रोन जाने। ठीक है, क्वेश्चन बता देते क्या क्या आया है। पहला तो प्रिंट से आया था, कंट्रोल पी आया था उसका, और एक आया था कि ट्रांजिशन का है ना सर, ट्रांजिशन टैब का शॉर्टकट की क्या होता है पावर पॉइंट में। अल्ट प्लस के हम भी मारे थे सर, वही हमको पता है, टी कन्फ्यूज कर रहा था लेकिन एनिमेशन से हम याद किए हुए थे कि अल्ट ए होता है एनिमेशन का शॉर्टकट के, तो वही हम कन्फ्यूजन के चक्कर में कि दोनों का सेम नहीं होगा, वही कन्फ्यूजन में हम अल्ट के उसको मारे थे सर, सही हो गया। और एक और दिया था फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की क्या होता है। मेलिंग वगैरह से क्वेश्चन, मेलिंग से सर बहुत अच्छा अच्छा कल रात क्वेश्चन था। हाँ सर, हम आपका क्लास कल का हम देखे हुए हैं सर, मेरा दोस्त एक राकेश है, मेरा एक राकेश दोस्त है, वही आपका पूरा शुरू से अंत तक वो क्लास देखा, वही हमको बताया था मैराथन सर ले रहे हैं, सर का मैराथन देखो उनका बहुत अच्छा अच्छा, सुबह में भी आपका मैराथन देख करके ही गए। कहाँ से आए हैं आप? हम गया से आए हैं सर। हम सर यहीं पटना के हैं। आप नालंदा से सर? आपको लगता है जाना पहले आप आए हुए फोन वगैरह करते थे क्या कभी? हाँ फोन किए थे सर आपके पास, लग रहा है थोड़ा बहुत मतलब फ्रेंकली ज्यादा बात की इसीलिए लगा। आप बेगूसराय से? बेगूसराय। कैसा आपका, अच्छा गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, आप ही का क्लास सर देखे थे सर हम पूरे। आप लोग भी दिए हैं? आप लोग दिलाने आए एग्जाम? चलिए अच्छी बात, ठीक है ठीक है, बढ़िया मिलेंगे। उसके लिए मेरे से दिल से मतलब कि आपका, चलिए ठीक ठीक है ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। क्या बोले? अच्छा अच्छा, 24 अक्टूबर का है मेरा। आपका 24 अक्टूबर को तो जानने आए कि किस तरह का एग्जाम जा रहा है? ना दिलवाने अच्छा, आपको इधर उधर खोज रहे। आप एग्जाम दिए हैं जी, कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। किस तरह का क्वेश्चन था, टाइपिंग मैटर ये सारा चीज? क्वेश्चन मैं की स्ट्रोक दिखा रहा था, 2 मिनट में मारने के लिए दिया था, तो 312 की स्ट्रोक दिखा रहा था, 2 मिनट से हम पहले 312 जो है वो डेमो का हुआ, डेमो का। हाँ ग्रॉस। और जो फाइनल 10 मिनट में किए तो उसमें क्या? वो हम 6 मिनट 8 सेकंड में ही मार दिए थे सर, ठीक है। हाँ पूरा मार दिया, लेकिन 1212 की स्ट्रोक। हाँ तो बहुत है, हिंदी में उतना नहीं बनी होता, इंग्लिश में 1500 होता है पास करने के लिए, ठीक है सर। तो 1212 की स्ट्रोक हुआ तो मेरा 250 वर्ड हुआ, मतलब 25 वर्ड पर मिनट के, 25 वर्ड पर मिनट में चला। और अगर आप पहले सबमिट किए हैं ना, तो अगर उसका बेनिफिट उसको अगर देना होगा तो भविष्य में आगे चल के मतलब जब रिजल्ट बनाएगा ना, तो हो सकता है कि जो पहले स्टूडेंट सबमिट किए उनको देगा स्पीड ज्यादा बना करके। 6 मिनट 8 सेकंड में ही मारे थे सर, लेकिन 1212 की स्टॉक दिखा रहे थे, उसमें हम 50 से भागा दे रहे थे, 24.24 नहीं ये 25 होगा, ठीक है ना? अच्छा 25 होगा, क्योंकि कुछ वर्ड बड़ा होता है कुछ वर्ड छोटा होता है, ठीक है समझ गए। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैटर पूरा मारे लगभग। एरर किस टाइप का हुआ? एरर भी हुआ था, एरर को तुरंत हम सॉल्व करते चल गए सर, लगे हाथ तुरंत उसको बैक स्पेस लेके तुरंत सॉल्व कर दिए, बट भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। और हाइट वगैरह बैठने में किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं रहा है? मैं अच्छा दम सिस्टम बहुत अच्छा था, कीबोर्ड भी लॉगिटेक का था, एकदम मस्त लगा था, स्मूथली कीबोर्ड चला था, ससर उसर नहीं रहा था कीबोर्ड, एकदम इजिली हम लोग मार रहे थे सर, अच्छा से टाइपिंग करके आए। अभी दिए एग्जाम? अभी दिए हैं। आपका सुबह, आपका वाला आज ही सुबह था, तो उसमें तो इंग्लिश था ना जी? हाँ सर इंग्लिश। आएगा सुबह में आए थे तो वो स्टूडेंट वो आ गए थे, वो सोच के 22 अक्टूबर का था, वो आज ही आ गए थे एग्जाम देने। दो तीन लड़का को हम बताए हैं कि बोल रहा है मेरा रोल नंबर मिल ही नहीं रहा है, हम कहे कि पहले लाओ दिखाओ, तो देख रहे 22/10 का डेट है सर, वो आज आया हुआ है, डेट आप देखिए। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बहुत सारा हुआ था, सुबह भी हम लोग को दो तीन लोग बताएं, तो फिर वो हाजीपुर गया घूम के फिर से। चलिए अच्छी बात है, मतलब अच्छा लगा आप लोग से मिल करके, और लोग देख लेते हैं और किसी भी तरह। अच्छा ये टाइपिंग का मैटर किस चीज़ पे था? टाइपिंग का मैटर बहुत इजी था सर, कोई मतलब जैसे होता है ना कोई टॉपिक होता है ना कि हाँ इस चीज़ पे कहानी पर था, नहीं समझ में आया। जैसे कल वाला इंग्लिश वाला जो टाइपिंग का मैटर था ना वो मैनेजमेंट पे था, ठीक है, तो उसमें क्या ना मैनेजमेंट शब्द बहुत बार आया, ठीक है सर, आवश्यकता ये सब वर्ड आया था कहीं नहीं ऐसे कर करके वर्ड आया था, लेकिन सिटीजन टाइप पे आप लोग ने हाँ तो कभी बड़ा भी था, कभी 5 से 6 वर्ड मिला करके दे रहा था, कभी 3 वर्ड था, कभी 2 वर्ड था, कभी 7 वर्ड था, ऐसे करके। वो ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं था ना? नहीं शुरू में मेरा है ना सर 1 2 3 साइड वाला से ले रहे थे ना, तो हिंदी वर्ड नहीं लिखा रहा था, क्योंकि साइड से तो हिंदी में 1 2 3 लिखा था, नहीं लिखा है, हम कंप्लेन किए तो सर बोले कि वैसा कोई वर्ड आपका नहीं आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर आता है तो हम आपको तुरंत सॉल्व करवा देंगे। चलिए मतलब बहुत लोग सपोर्टिव नेचर के थे, लोग सपोर्ट भी बढ़िया किए, बहुत अच्छा से तुरंत। तो अभी अच्छा था ये देखिए, जो हम लोग का जो मेनली कन्फ्यूज़न था ना हम लोग का टाइपिंग में वो यही था कि जो हलंत दे करके करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं सर, जैसे ही हम लोग
मतलब कि शिफ्ट के साथ आधा करते थे ना, तो वो ऑटोमेटिक हेलेंथ ले रहा था सर, ऑटोमेटिक हेलेंथ ले रहा था। और जैसे ही जब दूसरा जैसे क्या लिखना है ना, तो आधा शिफ्ट के साथ कर दिए और वहाँ पर ऑटोमेटिक क्या लिखाएगा, हेलेंथ दिया हुआ रहेगा या जैसे टिपिएगा ना पूरा बट कम्प्लीट ले। कम्प्लीट के लिए कह सकते हैं कि हम लोग जैसे प्रैक्टिस किए हैं कोचिंग में घर में जो भी वैसा ही डालने का जरूरत नहीं है सर। वो कन्फ्यूजन जो है ना बहुत दिन से था और लोग एकदम डेमो से ना मतलब रेगुलर ये कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा था, तो ये आज क्लियर हो गया सर। तो ये मेरा हम कंफर्म समझे सर कि मतलब कि 25 प्लस स्पीड रहेगा। हाँ बिल्कुल 25 प्लस स्पीड है, और जो उसमें एरर होगा ना 6 मिनट में मारेंगे डिडक्ट, अगर आपका एरर हुआ होगा सर हम पहले ही हाँ पूरा। और अच्छी बात है ठीक है ना, ऐसे क्या होता है ना कि जैसे स्पीड ठीक ना ग्रोस स्पीड और जो आपका एरर होता है वो माइनस होता है ठीक है ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ एरर माफ रहते तो वो माइनस नहीं होता है, समझे ना। रैंडम एजुकेशन आपका भी एग्जाम था क्या, किस तरह का गया आपका कैसा? ठीक है बढ़िया गया, आइए अच्छा से ठीक ना, कोई बात नहीं आप दीजिएगा अच्छे से आखिर, अब तो दे दिए ना जी, चलिए आपको भी ठीक है। कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक ठाक ही है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत या मतलब टाइपिंग का में? हिंदी टाइपिंग कितना कंप्लीट मार दिए? लगभग मार दिया अपने जानते हैं। मतलब छूट भी गया क्या एक दो लाइन? क्या थोड़ा छूटा है लास्ट का जो लाइनिंग था वो छूटा है, बाकी तो बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किया था। 25 तक तो स्पीड था, इसमें क्यों छूट गया? 25 से हिंदी है ना, हिंदी में तो हिंदी बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश से हम अच्छा मानते हैं हिंदी को। हिंदी में थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ऐसा टफ वर्ड भी था क्या जो आप मतलब लिखने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम? एक दो जगह तो टफ था, कोई बता सकते हिंट? जैसे क्षत्रिय टाइप का ऐसा कुछ था ना लिखा, वो वहाँ पे थोड़ा सा जी। सोनी टाइपिंग में करते थे तो मार्क्सवाद हो गया, मार्क्सवाद हाँ इस टाइप में था सर। टाइपिंग का मैटर किस चीज पे आधारित था कुछ बता सकते हैं? रेमिंगटन गेल? नहीं नहीं, वो तो रेमिंगटन गेल फॉन्ट का नाम हुआ ना, जैसे होता है ना टॉपिक क्या था उसका, क्या कहना था उसका मैटर को, जैसे कल इंग्लिश टाइपिंग मैनेजमेंट पे हुआ था। हाँ ये कहानी पे था, मतलब किस चीज़ के कुछ बेस नहीं पता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, नहीं इनको अभी एग्जैक्ट उसका मैटर का जब कहानी पता चल जाता है ना तो उससे रिलेटेड शब्द भी पता चल जाता है। फिलहाल अभी ये जो हम अभी आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं या रिव्यू दे रहे हैं या फिर कल एनालाइज एक्सेल वगैरह पावर पॉइंट का क्वेश्चन सब बना आपसे अच्छा से? चलिए बहुत अच्छा। और अभी जो हम दे रहे हैं तो ION डिजिटल 1 जो है ना गेट नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं वो उसका है। इससे पहले दो रिव्यू जो आप हम आपको दिए थे वो गेट नंबर 2 का था, लेकिन आज हम जो अभी आपको बता रहे हैं इसमें आपको एक नंबर का बता रहे हैं, जो PNA मॉल के जस्ट सामने से अगर आइएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो हम अभी पता किए हैं इसमें हिंदी टाइपिंग बहुत बेस्ट रहा है, हलंत वगैरह का कोई ऐसा यूज़ वगैरह नहीं है जिस तरह के हम लोग सोनी टाइपिंग पे या फिर किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करते थे बिल्कुल वैसा ही है। तीसरी बात यह है कि हमारे कीबोर्ड को लेकर के रेगुलर सभी को कन्फ्यूजन होता है, तो काम नहीं कर रहा। अच्छा आपका एक दो बटन काम नहीं कर रहा था, ऐसा किस कंपनी का कीबोर्ड था आपके अलम लगा हुआ? कुछ लॉगिटेक था क्या? हाँ लॉगिटेक, हाँ क्योंकि सभी लोग लॉगिटेक ही बोल रहे हैं, तो अभी यहाँ पर यही पता चला है कि जो कीबोर्ड की कंपनी था वो लॉगिटेक का कंपनी है ठीक है, लॉगिटेक कंपनी का कीबोर्ड लगाया हुआ। अच्छा एक दो बटन उसमें काम नहीं कर रहा था आपका, थोड़ा दिक्कत हो रहा था। आपको कौन सा बटन ऐसा है जो नहीं काम कर रहा था? वो यो जैसे जहाँ पे यो लिखने का था और जहाँ पर रेफ देने का था, ये दो जगह दिक्कत हो रहा था। मतलब थोड़ा बहुत माइनर सा तो मिस्टेक होता ही है, ऐसा बात नहीं है कि सब चीज़ मतलब क्या होता है नंबर 1 का होता है कीबोर्ड में, थोड़ा बहुत वहाँ पे बैठने में थोड़ा बहुत माहौल का ये सब माइनर सा होता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है क्योंकि आपको पहले 60 मिनट समय MCQ में आप लगाते हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर हम जितने भी लोग से बात किए हैं हमें नहीं लगा कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, और आपको भी शायद आप सुने होंगे इस सब बात को तो आपको भी इस सब चीज़ का एहसास हो गया होगा कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। बाकी आप लोग में से जिनका जो भी एग्ज़ाम है कल है परसों है अब अगले एक महीना तक एग्ज़ाम ही है ठीक है ना, और आज का हमारा जो इस रिव्यू का मेन मकसद था वो हिंदी टाइपिंग को लेकर के था ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा आज के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन आंसर पर फोकस नहीं किए, हिंदी टाइपिंग पर फोकस किए। तो चलिए आप लोग ये चीज़ें बता करके आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा ठीक है, और आपका कहाँ गया ये अगर आप हमें बताना चाहेंगे तो मेरा नंबर है 9534796936, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आप हमें प्लीज़ हेल्प कर दीजिए।